प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार को लेकर राजस्थान के चूरू पहुंचे। मंच पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन मोदी ने चूरू की जनता के लिए मंच पर कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद जनता खुशी से उछलने लगी। हर तरफ मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगने लग गए। दरअसल आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में पहुंचे, जहां से बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझरिया, जो पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं, उन्हें टिकट दिया है। मंच पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफा पहनाकर स्वागत किया गया, और उसी के बाद भाजपा के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाला दिया। मंच पर प्रधानमंत्री के हाथों में भाला देखकर जनता जय श्री राम का नारा लगाने लग गई। प्रधानमंत्री ने सिर्फ भाला ही नहीं उठाया, उन्होंने मंच पर गदा भी उठाया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनूठा गदा भेंट किया गया। इस गदे के अंदर प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस गदा को देखने के बाद तुरंत ही वाह कहते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया को लेकर राजस्थान चूरू की जनता काफी निश्चिंत नजर आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रबल तरीके से अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अवतार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNN वर्ल्ड।